फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि यह पार्ट टू है, पार्ट वन में आप देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोज है, थ्योरी पार्ट है, एमसीक्यूज पार्ट है, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल कराए गए हैं। तो विधिवत तैयारी के लिए डेली बेसिस से मेरे वीडियो को वॉच किया कीजिए, जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? तो दोस्तों, कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है मानव शरीर का? तो हृदय। कैसे करता है? हृदय के चार चेंबर होते हैं, ऊपर के दो चेंबर अलिंद होते हैं, नीचे के दो चेंबर निलय होते हैं, और हृदय से धमनी के द्वारा समस्त शरीर में शुद्ध रक्त को भेजा जाता है, और शिराओं के द्वारा समस्त शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में दाएं अलिंद में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं मानव शरीर में? तो यह पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आंख, कान, जीभ, त्वचा, नाक। नेक्स्ट दोस्तों, पीयूष ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह अन्य ग्रंथियों के कार्यों में सहयोग और उसका नियंत्रण करता है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पता किसने लगाया था? तो डीएनए का पता लगाया वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट है दोस्तों, गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो ये विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। जैसा कि दोस्तों, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, बाझपन रोधी यानी एंटी स्टरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टेकोफिराल है। इसकी कमी से बाझपन बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो यह स्रोत है विटामिन के का। पालक, सोयाबीन, ये सब पाया जाता है विटामिन के में। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, और यह रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है और प्रोथ्रोम्बिन के उत्पादन में मदद करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, आंतें प्रभावित होती हैं, पित्त की नली में अवरोध हो जाता है और प्रभावस्था में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? दोस्तों, तो रक्त का थक्का जमने में समय लगता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोस्तों, प्रोटीन में। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, बट प्रोटीन में एक चौथा तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है जिसके कारण वो अलग है। नेक्स्ट है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्या है दोस्तों? यह कार्बोहाइड्रेट है। जैसा कि दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में, दो भागों में मुख्य भाग बटा गया है, सरल शर्करा और जटिल शर्करा। तो जो सरल शर्करा होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो सरल शर्करा जो होता है उसको पाचन में आसानी होती है, जिसमें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड जो शर्करा के एक अणु से मिलकर बना होता है, और डाइसैकेराइड शर्करा यानी ग्लूकोज के दो अणु से मिलकर बना होता है। तो जो मोनोसैकेराइड है उसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आता है, और डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आता है।
जो पॉलीसेक्राइड यानी जटिल शर्करा होता है उसको पाचन में कठिनाई होती है और ये शर्करा के दो से अधिक अणुओं से मिलकर बनता है। पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, कैटिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का उत्तम स्रोत है, तो वसा का उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? मक्खन। क्या है? मक्खन। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन, बादाम, इस समय भी वसा अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन है दोस्तों? तो सोयाबीन पाया, सोयाबीन है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद मूंगफली में, फिर अन्य चीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? तो स्टार्च का उत्तम स्रोत है गेहूं, यानी कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट है, मछली का तेल, दूध और डेयरी उत्पादन उत्तम स्रोत है किसका? विटामिन ए का। जैसा कि दोस्तों विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यानी रतौंधि और वर्णता रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? तो 16 से 17 ग्राम होता है। और परसेंटेज में पूछेगा कि कितना जरूरत होता है, तो 1.5%। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट दोस्तों, रतौंधि यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, तो वह कौन सा तत्व होता है दोस्तों? आयरन। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है, तो वह दोस्तों होता है विटामिन सी होता है, बट यहाँ पे बी दे दिया है, तो विटामिन सी होगा, ठीक है, विटामिन सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन मांसपेशी उत्तक को बनाने में सहायक होता है। जैसे हमारे शरीर में तीन प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक शरीर निर्माण करने वाले, एक रक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, और शरीर संरचना को टूट फूट को मरम्मत करने वाले प्रोटीन होता है, और रक्षा करने वाले में मिनरल्स एंड विटामिन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस विटामिन का स्रोत होती हैं? तो यह विटामिन डी का स्रोत होती है, आप सबको मालूम है। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है, तो यह हड्डी से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है, विटामिन तथा खनिज लवण किसके कारक है दोस्तों? अभी मैं जस्ट बताई हूं, यह रक्षा प्रदान करने वाले खनिज लवण हैं, तत्व हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्या बनाता है? व्यायाम, क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या पहचान है? कैसे हम जानेंगे कि यह व्यक्ति स्वस्थ है? तो उसके मांसपेशियों को देखकर। उसकी मांसपेशियां कैसी होनी चाहिए? दृढ़ मांसपेशी होना चाहिए, मजबूत। नेक्स्ट है, शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इम्यूनिटी क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना हुआ था 1939 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1920 में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहां अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था फ्रांस में। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो यह सुक्रोज कहलाती है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में क्या नहीं आता है? तो हार्मोन्स नहीं आता है। असंतुलित आहार में आता क्या है दोस्तों? 6 पोषक तत्व, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल,
एक छह पोषक तत्व जिसमें उचित मात्रा में भोजन में विद्यमान हो उसे संतुलित आहार कहा जाता है, यानी बैलेंस डाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा लेना चाहिए, तो उसको सुपाच्य आहार होना चाहिए क्योंकि उसकी पाचन शक्ति जो है कमजोर हुई होती है। नेक्स्ट है, एक वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, तो प्रति ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 और प्रति ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है, तो यह फोकस करती है सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। इनका WHO का कहना है दोस्तों कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही निरोग नहीं कहा जाएगा। उनका कहना है कि शारीरिक मानसिक सामाजिक तीनों रूप से जो स्वस्थ रहेगा उसी को निरोग बोला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त स्त्रावरोधी विटामिन कौन सा है, तो ए है आपका विटामिन के, जो रक्त स्त्रावरोधी है और जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। इसकी कमी से हेमरेज रोग हो जाता है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है, मृदुलास्थि यानी कि आस्टियो मलेशिया बोलते हैं इसको, यह होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक होता है दोस्तों, तो शरीर की वृद्धि विकास में सहायक होता है, टूट फूट की मरम्मत करता है प्रोटीन, ऊर्जा कौन प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, सबसे जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है इंस्टेंट एनर्जी स्रोत कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट। एक ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वसा, बट सबसे जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। हमारे खाने का मुख्य स्रोत क्या होता है ऊर्जा का, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह किसके खराबी के कारण होता है, तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के खराबी के कारण, अग्नाशय की लंगर है इसकी दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करता है। जब ग्लूकोज कम बनता है या ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज यानी मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग है कौन है दोस्तों, छोटी माता, काली खांसी, एड्स, ये तीनों संक्रामक रोग है। नेक्स्ट दोस्तों, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है, तो कैरोटीन पिगमेंट से विटामिन ए का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति, यह वक्तव्य किसका है, WHO का। यह वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एड्स किसको इंगित करता है, यह इंगित करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो जैसे कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होकर के पल्मोनरी सीनाओं के द्वारा आती है बाएं अलिंद में, बाएं से बाएनिलय में, बाएनिलय से एरोटा यानी महाधमनी से होते हुए शरीर के समस्त भागों में पहुंचाया जाता है। तो रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो फेफड़ों से मिलता है। नेक्स्ट है, रेबीज रोग होता है, तो रेबीज रोग क्या होता है दोस्तों, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होती है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होती है, तो विटामिन सी दोस्तों हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होती है, यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने और ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है,
तो ये कार्य को करता है पोटेशियम, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बाझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं, इसकी कमी से बाझपन हो जाता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है, तो राइबोफ्लेविन पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट है कजीरोथेलमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे विटामिन डी दे दिया है, यह विटामिन ए की कमी से होगा, किसकी कमी से, ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की प्रचुरता से स्कर्वी रोग ठीक हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी प्रचुरता होगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है प्रमाणन अधिनियम चिन्ह यानी ISO कब चलाया गया था, तो यह चलाया गया था 1952 में। नेक्स्ट है क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं, तो जो एनिमल प्रोटीन होता है यानी कि जानवरों से पशुओं से प्राप्त किया जाता है उसको कहा जाता है एनिमल प्रोटीन। और दोस्तों नेक्स्ट है कि एनिमल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो यह होता है आपका मायोसिन जो मांस व मछली से मिलता है, और एल्ब्यूमिन जो अंडे के सफेद भाग से मिलता है और दूध से मिलता है, एंड कैसिनोजिन जो होता है वह दूध से मिलता है, और ग्लोब्यूलिन रक्त में मिलता है, और वाइटेलिन अंडे के बीच वाले पीले वाले पदार्थ से मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एल्ब्यूमिन अंडे के सफेद भाग से, वाइटेलिन अंडे के पीले भाग से मिलता है, कैसिनोजिन दूध से, ग्लोब्यूलिन रक्त में, मायोसिन मांस मछली में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं, तो क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं जो पौधों से प्राप्त किया जाता है। एंड नेक्स्ट है क्लास वेजिटेबल प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है आपका ग्लूटीन, ग्लूटेन जो अनाजों से मिलता है, और लेग्यूमिन यह दालों में मिलता है। नेक्स्ट है प्रोटीन किसका बना होता है दोस्तों, यह अमीनो एसिड का बना होता है। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से सुगर आते हैं, तो जैसे कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। एंड दोस्तों आपका डाइसैकेराइड में आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। एंड पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डाइसैकेराइड में कौन कौन से सुगर आते हैं, तो डाइसैकेराइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। नेक्स्ट है दोस्तों लैक्टोज किससे बनता है, तो लैक्टेज दूध से बनता है, किससे बनता है, दूध से। नेक्स्ट है सुक्रोज किससे बनता है, तो सुक्रोज बनता है गन्ने से। नेक्स्ट है फ्रक्टोज किससे बनता है, तो फ्रक्टोज फल व शहद से बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टार्च किन चीजों से मिलता है, तो यह अनाज, जड़ वाली सब्जियां, सेलुलोज, तने वाली सब्जियों को सेलुलोज कहा जाता है, तथा ग्लाइकोजन आदि से मिलता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों, तो यह हमारे लीवर यानी कि यकृत तथा मांसपेशियों में एकत्रित होता है। नेक्स्ट है फैट्स किसे कहते हैं यानी कि वसा किसे कहते हैं, किससे बनता है, तो वसा बनता है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अनिश्चित मात्रा से, जबकि कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के निश्चित मात्रा से, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा आपके मन में मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस को मुझे फॉलो कीजिए, डेली बेसिस में वीडियो देखते रहिए, क्योंकि डेली बेसिस में कोई ना कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ। तो दोस्तों इसका थर्ड पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में,
फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।